और यहाँ सब रील्स में लगा है, सब सब शिवरात्रि में। और टाइगर को देखिए धूप में बैठा हुआ है, वहाँ पे गिलहरी है उसी का वेट कर रहा है। मैं टाइगर से नहीं बोलूंगी, नहीं तो लगता है दे पे खुद में। टाइगर बोले आके खुद में लगता है। तो गाइज शिवरात्रि है कल और रात में मैं मेहंदी लगा रही हूँ, देखिए जैसे आया वैसे लगा ली हूँ, अभी मैं लगा रही हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, कल मैं कंटिन्यू रखूंगी ब्लॉग। और ये महाशिवरात्रि है, कितना साल बाद आ रहा है? 700 साल बाद आ रहा है, बहुत ही अच्छा शिवरात्रि है, हालांकि सब शिवरात्रि अच्छा होता है। तो मिलती हूँ मैं गाइज मेहंदी लगा कर और कल। और मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, अभी माँ को भी मेहंदी लगाना है। माँ को अब लगाइए। कितना टाइम हो रहा है? टाइम नहीं मालूम है, देख के बताओ तो। 10 बज गया है। 10 बज गया? जी हाँ। ओह माय गॉड, कब हम लोग खाना खाएंगे? अभी खाना भी खाना है, कल फास्टिंग आदित खाना भी खा रहा है। और पता है गाइस आज मेरा फेवरेट खाना बना है, छीमी का जो दाल होता है वो वाला, मैं माँ को बोली हूँ तो बना रही है, और चावल और सब्जी। तो गाइज मिलती हूँ मैं कल सुबह मॉर्निंग के साथ, एंड गुड नाइट, कल मॉर्निंग मिलूंगी। हे गाइज, महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेरों सारे शुभकामनाएं, आपके और आपके समस्त परिवार को। और अभी मैं रेडी हूँ, पूजा करने जा रही हूँ, तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं मंदिर पे नहीं जा रही हूँ, मैं घर पे ही पूजा करूँगी। और मुझे येलो कलर और ऑरेंज पहनना था आज, और कुछ साड़ी दिखा नहीं है ऑरेंज और येलो में, और कलर था जैसे ब्लैक, तो ब्लैक तो आज पहन नहीं सकती हूँ, तो इसलिए तो यही साड़ी आप सब देखे ही होंगे, तो मुझे यही अच्छा लगा तो मैं पहन ली। तो चलिए चलते हैं पूजा कर। मैं यहाँ पे धतूर और बेलपत्र का पता रखी हूँ, क्योंकि शिव जी को तो ये अच्छा लगता है, आप सभी को पता है, तो मैं इसको शायद माँ धो दी है इसे। यहाँ लिंग है, घर पे बैठाया गया लिंग, आप सब तो देखे ही होंगे। गाइस तो अभी मैं फिर से रेडी हो रही हूँ, पूजा तो हो गया है, इसलिए हो रही हूँ क्योंकि एक दो रील्स बनाना है। और आप सब प्लीज मेरा रील्स देखिए और बताइए कैसा लग रहा है, और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं रील्स बनाते वक्त। तो गाइस मैं रील्स बनाने के लिए रेडी हो गई हूँ, और चलिए मैं छत पे जा रही हूँ रील्स बनाने। एक मिनट यार, चूड़ी में नहीं पहनी जो मारा थी मेरे लिए, एक मिनट में चूड़ी पहन के मिलती हूँ। तो गाइस ये चूड़ी मैं पहन ली हूँ, माँ लौटी दे रही थी पर मैं चूड़ी पहन रही हूँ, बहुत छोटा छोटा है बट फिर भी हो जा रहा है। तो रेडी, चलिए आ जाइए। गाइस तो अभी मैं फलहार करने जा रही हूँ, अभी ऑरेंज खा रही हूँ, उसके बाद केला दूध खाऊंगी। आज लोग कौन, बहुत लोग कौन बोलता है, बहुत लोग अलुआ बोलता है, मतलब स्वीट पोटैटो और मिल्क खाया जाता है, तो मैं स्वीट पोटैटो मिल्क नहीं खाऊंगी अभी। अभी क्या मैं नहीं खाऊंगी, मैं केला दूध जा रही हूँ खाने। ऑरेंज साड़ी ऑरेंज खा रही हूँ। गाइस तो मैं फलहार करके आप सबसे मिलती हूँ, और मैं ज़्यादा रील्स नहीं बनाई हूँ, एक ही बनाई हूँ, ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, और मेरे ब्लॉग को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। गाइस मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद।
तो यहाँ पे नीचे आए हैं हम लोग रील्स बनाने। अब मैं नहीं बना रही हूँ, और इधर आदित्य बना रहा है। आदित्य इधर आओ। टाइगर आ रहा है, टाइगर से मिलिए। मैं टाइगर से नहीं बोलूंगी, नहीं तो लगता है देह पे कूदने। टाइगर बोले आके कूदने लगता है। तो गाइस यहाँ पर टाइगर आ गया, इससे ज्यादा बोला जाता है ना, तो ये क्या करता है, देह पे कूदने लगता है। मैं भी बोल के दिखाती पर भागूंगी। टाइगर टाइगर गजब बेइज्जती। टाइगर टाइगर अभी भाग दे रहा है अभी। ओए टाइगर इसी भाव नहीं वो अपना काम से जा रहा है। okay. तो यहाँ पे फूल बहुत बड़ा बड़ा हुआ था। अरे ये वाला कितना मस्त है, देने वाला है किसी को। तो दे दो हमको तोड़ के। हम किसी और को दे देंगे। hey guys, तो मैं यहाँ का रोज जो था सॉरी ना सरोज और भाई जो दिल्ली में जो रोपा है पूरा लगाया है, बहुत बोलेगा वहां से सॉरी सॉरी। रील्स बनाना था तो मैं तोड़ ली एक, और मैं रील्स बनाने जा रही हूँ। देखते हैं क्या रील्स बनता है इस पे। एक तो दिमाग में है पर कोई है ही नहीं बनाने वाला, तो भाई के साथ ही बनाऊंगी। देखते हैं क्या बनता है। और यहाँ सब रील्स में लगाए सब शिवरात्रि में। और टाइगर को देखिए धूप में बैठा हुआ है, वहाँ पे गिलहरी है उसी का वेट कर रहा है बैठ कर। टाइगर गाइस तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे से ऊपर, क्योंकि रील्स बनाकर और आदित्य भी रील्स बनाया है मेरे फोन से। बहुत ज्यादा मेहनत हो गया है आज, तो मैं मिलती हूँ नाइट में, तब तक के लिए बाय बाय। और पापा आ गए हैं तो इसलिए हम लोग छोड़ दिए रील्स बनाने, तो और भी बनाते हैं। है गाइस तो कल फास्टिंग हम लोग तोड़ेंगे, मतलब खा लेंगे। तो देखिए मेरा मतलब हमको मन था पनीर खाने का, तो पनीर ला दिया सब। मैं सोची आप सबसे शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे दो पैकेट आया है पनीर का, और एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पनीर आ गया है, देखिए मैं बहुत हैप्पी हूँ कि पनीर आ गया। हे गाइस तो अभी हम लोग बैठ के ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं। माँ यहाँ पे बैठी है और हम लोग फलहार तो कर चुके हैं, आप सबको पता ही है। और रात हो गई है तो चाय तो मैं नहीं पीऊँगी क्या, कुछ नहीं। तो गाइज मैं ब्लॉग को करती हूँ वहीं पे, एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल जानवी मनीष ब्लॉग। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस ब्लॉग को बिना लाइक किए नहीं जाना है। बाय बाय।